Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss about the Einstein's special theory of relativity. And this video is going to be very helpful for those students who wanted to know the basics of the physics. So why this theory is occurs. So let's start the video. 100 years of general theory of relativity. This celebration was occur in 2015, because in 1915 the general theory of relativity is published by Einstein. So 100 year celebration manaya gaya 2015 mein. Einstein's special theory of relativity revolutionized how today's scientific world think about स्पेस, टाइम, मास, एनर्जी एंड ग्रेविटी. तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो स्पेस, टाइम, मास, एनर्जी और ग्रेविटी को किस तरह से सोचते हैं या डिफाइन करते हैं. तो टू हिस्टोरिक सब्जेक्ट कैटलाइज्ड बाय द आइंस्टीन थॉट्स. तो दो ऐतिहासिक चीज़ें हुई जो आइंस्टीन के थॉट्स में आती हैं, जिसमें पहला है द लॉज ऑफ आइजैक न्यूटन यूज टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ द मोशन. पहला है न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन. इन 1687 न्यूटन रूट दिस ग्रेविटी अफेक्ट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स. द सेम फोर्स gravity pull an apple down from a tree and also kept the earth in motion around the sun. So the same gravity apply hoti hai apple ke ped se girne mein bhi aur ya phir earth in motion around the sun. So gravity hamesha same lagti hai chahe wo vastu kitni choti ho chahe wo badi ho, gravity saman lagti hai. Aisa Newton ne dekha. But Newton never puzzled out the sources of gravity. That was the shortfall of Newtonian genius. तो उनके लाइफ का ये shortfall रहा कि उन्होंने source of gravity नहीं बताया. इस gravity का source क्या है, सिर्फ उन्होंने बता दिया कि gravity लगती है, कोई एक चीज़ है जो किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, और वो gravity जितना apple के ऊपर लगता है उतना ही किसी planet के ऊपर भी लगता है. सेकेंड थाट था, डेविड ह्यूम्स वॉज अ फिलासफर एंड एन इम्प्रीसिट एंड स्केपिक्टिक. आइंस्टीन थिंकिंग अबाउट स्पेस एंड टाइम वे आर ग्रेटली यूनाइटेड बाई ह्यूमस 1738 बुक. उनकी एक बुक है जो 1738 में पब्लिश हुई थी, ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिससे आइंस्टीन को स्पेस एंड टाइम का आइडिया मिला. क्योंकि सबसे पहले ह्यूम ने ही ये सोचा था. ह्यूम बिलीव दैट द साइंटिफिक कंसेप्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एविडेंस. उन्होंने ये माना कि जो भी साइंटिफिक कंसेप्ट होते हैं वो बेस्ड होते हैं या तो एक्सपेरिमेंटल पे या तो किसी एविडेंस पे या दोनों पे. तो सिंगल पे नहीं, नॉट रीज़न एलोन, किसी सिंगल बेस्ड पे कोई भी साइंटिफिक कंसेप्ट नहीं रहता, उसमें एक्सपीरियंस और एविडेंस दोनों होने चाहिए, नॉट अ सिंगल रीज़न. क्लियर. सो ही ऑल्सो बिलीव्ड द टाइम डिड नॉट एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो टाइम यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता मोमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ. इम्पॉर्टेंट टू नोट, फ्रॉम दिस कंसेप्ट ऑफ टाइम ए सेंस ऑफ रिलेटिविटी एंड वेरिएबिलिटी एम्बेडेड विद इन, एंड लॉजिकली दिस इज द थिंग्स व्हिच एंड दिस इज द
things which accommodate the instinct to intelligently consider the time as an independent fourth dimension in his theory of relativity. So he gave the four dimension as a time, because three dimension is XYZ and the fourth dimension is time. So this is known as space time. Based on these philosophies, Einstein wrote, it is very well possible that without these philosophical studies I would not have arrived at this situation. मतलब स्पेस टाइम के सिचुएशन पे नहीं पहुंच पाते अगर ऐसा फिलोसफिकल आइडिया उन्हें नहीं मिलता, तो इन दो थॉट्स की वजह से वो एक स्पेस टाइम को कंसेप्ट को लेके आगे बढ़े. आइंस्टीन से पहले साइंटिस्ट कंसेप्ट ऑफ स्पेस लाइट स्पीड वॉज द स्पेस वॉज फिल्ड विथ ल्यूमिनस ईथर. आइंस्टीन के पहले जो वैज्ञानिकों का कंसेप्ट था लाइट को लेके या स्पेस को, उन्होंने माना था कि स्पेस एक फील्ड होता है किसी ल्यूमिनस ईथर से जो एक मीडियम का काम करता है जिससे लाइट प्रोपागेट होकर आती है. ल्यूमिनस ईथर कॉजेज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, और वो जो मीडियम है उसकी वजह से लाइट की स्पीड में चेंज आता है. जैसे लाइट इज एक वेव है, जैसे साउंड एक वेव है, जब किसी मीडियम से होकर गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है. तो उसी तरीके से सोचा गया कि जब लाइट भी किसी मीडियम से जाएगी, पास करेगी जैसे ईथर से, तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर. बट ऐसा कुछ पाया नहीं गया. माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट रहती है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. In 1905, Einstein proposed a new theory based on two principles, and these principles are the first law of physics. Or जो पहला इनका principle था वो ये था, the laws of physics are the same for all non-accelerating observers. Means ये कि सारे जो physics के law हैं वो same ही रहते हैं हर इन non-inertial frame of reference में या नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए. एक्सेलरेटेड के लिए नहीं, नॉन एक्सेलरेटेड के लिए. सेकंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वर्स. जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो भी इंडिपेंडेंट होती है किसी भी ऑब्जर्वर के मोशन से. तो दिस इज द टू बेसिक प्रिंसिपल विच इज नोन एज द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. He calculated the speed of light as 1,86,000 miles per second. As a result of this principle, Einstein deducted that there is no fixed frame of reference in the universe. उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है किसी यूनिवर्स में, बल्कि जैसा कि ईथर सपोज किया गया था पहले, और जब ईथर का कोई इफेक्ट ही नहीं रहा, जो माइकलसन का एक्सपेरिमेंट था ईथर के ऊपर वो निगेटिव रहा, तो ये बात क्लियर हो गई एक्सपेरिमेंटली भी कि ईथर जैसा कोई मीडियम है नहीं. तो आइंस्टीन ने भी उसमें लाइन जोड़ा कि देयर इज़ नो फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन द यूनिवर्स. ब्रह्मांड में कोई फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, बल्कि एवरीथिंग इज मूविंग रिलेटिव टू एवरीथिंग एल्स. तो हर एक चीज़ मूव करती है अपने अलावा अदर चीज़ों की. दिस इज नोन एज द स्पेशल रिलेटिविटी बिकॉज इट अप्लाइज ओनली टू स्पेशल केसेस, एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज स्पेशल रिलेटिविटी. Frames of reference is constant and unchanging motion. This created the basis for theory of general relativity. And Einstein then spent 10 years thinking and try to include acceleration in the theory. The special theory of relativity is for non-accelerated frame of reference, and the general theory
of relativity is for accelerated frame. So he tried to include acceleration 10 years and published his paper General Theory of Relativity. Finally, in 1915, Einstein published the General Theory of Relativity, which applies to frames that are accelerating with regard to each other. So this theory is also applicable in accelerated frame of reference. And he determined that the massive object caused a distortion in space-time network, which is felt as a gravity. उन्होंने ये कहा कि जो भारी ऑब्जेक्ट होती हैं वो डिस्टॉर्शन का कारण है किसी स्पेस टाइम नेटवर्क में, और वही ग्रेविटी का काम करती हैं. ही कंसेप्चुलाइज द टाइम एज टाइम डज नॉट पास एट द सेम रेट फॉर एवरीवन. उन्होंने कहा कि टाइम सबके लिए सेम रेट से पास नहीं होता, बल्कि ए फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर मेजर द टाइम पासिंग मोर स्लोली देन अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर वुड. उन्होंने कहा कि जो फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर है वो मेज़र करता है टाइम को स्लो देन किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के. जो फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर होगा वो टाइम को स्लो मेज़र करता है इन कंपेरिजन टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी जो ऑब्जर्वर रेस्ट में है उसके कंपेरिजन में जो मूविंग ऑब्जर्वर है वो टाइम को स्लो मेजर करता है. टू विजुलाइज द टाइम कंसेप्ट द मूविंग वॉच रन मोर स्लोली देन द स्टेशनरी वॉच. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टाइम डायलेशन. आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल. दिस इज ओनली द हिस्टोरिकल वीडियो, सो नॉट मच मोर थिंग्स एंड नॉट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज वेल. So these are in the next video. A fast moving object appears shorter along the direction of motion relative to slow moving one, and this effect is very negligible until the object moves close to the speed of light. उन्होंने ये कहा कि जो fast moving object है वो appears होता है shorter along the direction of motion रिलेटिव टू द स्लो मूविंग वन. जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो शॉर्ट दिखाई देता है इन कंपेरिजन टू द स्लो मूविंग. जो स्लो मूविंग है उसको उसकी कंपेरिजन में फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट शॉर्ट दिखाई देता है, और ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरिजन में ना हो. तो ये फिनोमेना तभी होगा जब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के कंपेरिजन में हो. दिस इज नियरली वी टेंडिंग टू सी. तभी ऐसा होगा कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट अपीयर शॉर्टर वेवलेंथ शॉर्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिलेटिव टू स्लो मूविंग वन. आइंस्टीन डिराइव हिज फेमस इक्वेशन दैट इज इक्वल एमसी स्क्वायर. And this relation gives the relation between mass and energy. So mass and energy are different but can be interchanged between each other. Einstein's model considered four dimension. Space has three dimension and time as the fourth dimension. So combinedly it is known as the space-time model, four dimensional model. So time considered as a variable. In Einstein's model, space-time are part of continuum called also space-time. Space-time can be thought of as a grid or fabric knitted instinctively with space-time thread. कुछ इस तरह से मैंने बताया कि space-time एक grid जैसा है या fabric जैसा जिसके ऊपर सारी चीज़ें होती हैं. रबर सीट मॉडल इज अ पॉपुलर विजुलाइजेशन. एक रबर सीट को भी हम ऐसा मान सकते हैं. दिस इज द ग्रेविटी स्पेस एज ए रबर सीट. स्पेस एज अ रबर सीट. सो मैटर टेल्स स्पेस हाउ टू कर्व.
मैटर ये बताता है कि स्पेस, दिस इज स्पेस एंड दिस इज मैटर। मैटर कहीं भी हम मैटर को अगर हम लाइक कराते हैं तो ये बताता है कि स्पेस कर्व कैसे, कर्व की तरह कैसे है, और कर्व ये बताता है कि कैसे मैटर मूव करेगा। कर्व स्पेस, कर्व स्पेस टेल्स मैटर हाउ टू मूव। तो दिस कर्व स्पेस, ये कर्व स्पेस बताएगा कि ये मैटर जो है वो किस तरह से मूव करेगा, मतलब वो जिस तरह का कर्व होगा मैटर उसी के अलोंग मूव करेगा। तो कर्व बताता है कि मैटर कैसे मूव करेगा, मैटर भी बताता है कि कर्व कैसा होगा। नाउ प्रेजेंस ऑफ एनी मास डिस्टॉर्ट्स द फैब्रिक, दैट इज स्पेस टाइम। नाउ हाउ रिलेटिव थ्योरी एक्सप्लेन्स द सोर्स ऑफ ग्रेविटी। The gravity results from massive object wrapping space time, and this wrap is called the gravity well। तो ये बन रहा है जिसे हम well बोलते हैं, कुएं जैसा, gravity well। This is the massive object wrap on the fabric। This is also called the wrapping space time, and this wrap is called gravity well। There are so many masses within the universe, so universe is full of gravity well। So जो universe है वो बहुत सारी gravity से भरी हुई है। Einstein's general theory of relativity predict that the space time around Earth would be not only wrapped but also twisted by the planet's rotation like this। This is like a rotational axis, the planets are moving around him। Gravity probe showed that this is to be correct। Orbiting object follow the shortest path as required the least amount of energy। जो भी orbiting ऑब्जेक्ट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है क्योंकि उसमें लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ होती है, और जनरली सारी नेचुरल चीज़ें वही रास्ता अपनाती हैं जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, जिसमें सबसे कम एनर्जी लगे, जैसा कि हम लोग भी वैसा ही करते हैं, जो सबसे शॉर्टेस्ट हो वही रास्ता चुनते हैं। इन अवर सोलर सिस्टम द प्लैनेट मूव इन अ एलिप्टिकल पाथ, द मोस्ट एनर्जी सफिशियंट पाथ इन द ग्रेविटी वेल ऑफ द सन। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट मूव करता है किसी इलेप्टिकल पाथ में, जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी होती है वो ग्रेविटी वेल ऑफ द सन की तरह काम करती है। ग्रेविटी कैन बेंड द लाइट एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। दिस इज शोइंग द bending of light due to gravity। When we observe a distant galaxy, the gravity of matter between Earth and the galaxy causes light ray to bend into different paths। This is different paths, and that's why when the light reaches the telescope multiple images of the same galaxy appears। multiple image hota hai when the light reaches the telescope multiple images of the same galaxy appears। to jab light reach karti hai kisi telescope mein to hame multiple images dikhata hai same galaxy ka। so this is all about this video। So this is very useful for the learners of basic thing। Thanks for watching this video, thank you।